आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। साल 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई है। ऐसे में जिन धारकों ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है वो जल्द ही अपना आईटीआर फाइल जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपको आईटीआर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप कुछ देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। क्या आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है? अगर नहीं तो जरूर कर लें। और आईटीआर दाखिल करते वक्त बहुत सावधानी रखनी होती है, कई बातों का खास ख्याल रखना होता है। कई लोगों को ये नहीं पता कि आय के अलग अलग स्रोतों के बारे में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जानकारी देना जरूरी है। तो अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। दरअसल आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार कर वसूलने और कुल आय की गणना के उद्देश्य से सभी आय को आगे बताए गए 5 आय प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए अपना आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करते वक्त आपको इनका ध्यान रखना जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आपको 5 प्रमुखों के तहत अपनी आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिसमें वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय, पूंजीगत लाभ से आय, अन्य स्रोतों से आपकी इनकम, ये सब वहां मेंशन करना है। सबसे पहला वेतन से आय। इसमें वेतन, मजदूरी, पेंशन, वार्षिकी, ग्रेच्युटी, शुल्क, कमीशन, लाभ, अवकाश, नकदीकरण, वार्षिक वृद्धि और मान्यता प्राप्त भविष्य निधि यानी कि पीएफ में हस्तांतरित शेष राशि और कर्मचारी के पेंशन खाते में योगदान के रूप में प्राप्त सभी आय शामिल हैं। दूसरा है व्यवसाय या पेशे के लाभ से और लाभ से आय। इसके तहत किसी व्यवसायिक इकाई या पेशे से आय और किसी फर्म के भागीदार द्वारा प्राप्त की गई कोई ब्याज, वेतन या बोनस शामिल है, जिसकी जानकारी आईटीआर भरते हुए देना जरूरी है। तीसरा, गृह संपत्ति से आय। मालिक के कब्जे वाली संपत्तियों के अलावा किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्तियों से किराए की आय को गृह संपत्ति से आय के रूप में लिया जाता है। अगर आपकी संपत्ति खाली है तो इस मद में एक काल्पनिक आय भी शामिल की जाती है। चौथा, पूंजीगत लाभ से आय। पूंजीगत लाभ से होने वाली आय में किसी भी पंजीकृत संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि LTCG और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि STCG शामिल होते हैं। पांचवा, अन्य स्रोतों से आय। इनमें अलग अलग स्रोतों से इनकम शामिल है, जैसे बैंक जमा और प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी आय, लॉटरी और दौड़ से जीत और प्राप्त उपहार या फिर अन्य। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने आयकर रिटर्न को फाइल करते हुए ये जरूर भरें और इन पांचों के बारे में जानकारी जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।